वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी अपने घर गैसट आए हुए ने, इधर आपने मूंगी मसरी की दाल बना ली, इधर मैं सूजी का प्रसाद बना रही सी। ये अपने पटियाले जदों दे आपां आए आ, 7-8 साल हो गए, ये पहली बार अपने घर इत्थे आए ने। तो अपने को मटर पनीर बनया पिया, करेला भी बनया हुआ, आपां दाल बना ली मूंगी मसरी की। तो इधर मैं सूजी का प्रसाद बना लूँगी, एक कौली सूजी की ली है, एक कौली आप चीनी भी लवेंगे। अपने को देसी घ्यो पाया हुआ, तो सब तो पहला आप देसी घी पा लाँगे। हाँ देखो बीबी उत्थे बैठे ने, मासी जी आ गए, कह रहे हैं कि मैं प्याज कट दिनी हूँ दाल में तड़का लाने वास्ते। लो जी आप घी पा लिया, इन थोड़ा जहा गर्म हो दो, फिर आप सूजी पावे जी। अपना घ्यो गर्म हो गया, तो ये आप सूजी भुन लाँगे। हूँ पहला घ्यो थोड़ा जहा घट लगता, मैं थोड़ा जहा होर पाऊंगी, फिर ना नहीं उपर छड़न लग जाता है। उधर सारे गल्ला मार रहे हैं, अज गुरकिरण के पापा भी घर ने, इन्होंने आन करके बैठे ने सारे। फिर मैं थोड़ा दिखाई, मैं पूछूंगी पहला कि ये वीडियो के आना चाहते ने या नहीं, जो आए तो मैं थोड़ा जरूर दिखाऊंगी। जी भैन होनी तो चले गए, कहते असी प्रशादा छकना नहीं, असी बाजार जाके आना। ये साढ़े घर की दोती है जी, जिमें थोन दसते नहीं होंगे बार नाले, मेरे जठाणी ने ते ये उन्हां दी ननद ने, इन्हां दे मम्मी दे मतलब साढ़े घर नानके सीगे, इन्हां दे मम्मी दे है ना मासी जी, इन्हां दे मम्मी दे साढ़े घर इत्थे नानके सीगे अपने घर दे विच, ते ये भी अपने घर की दोती होए। लो जी मेरा तो सारा कुछ अं धरिया धराया रह गया, प्रशादा छक के नहीं गए। चलो कोई नहीं आप छक लें, फिर मेरी तो दाल सब्जी बनी बनाई रह गई। लो बीबी अपने घर की दोती अपनी वीडियो च नहीं आई हैगी। हाँ वो तो है ही है। हाँ मेरे तो कहा ही नहीं गया भी भैने थोड़ी वीडियो बना ला के ना, है ना बस। नहीं बनवा तो लेंदे हैं, जवाब भी नहीं सी देंदे, पर मेरे तो नहीं कहा गया है। हाँ तो इधर चाह पानी तो पी गए सी, रोटी रुटी चलो नहीं खा के गए, हूँ आप प्रसाद ना छक लें, तो मूंगी मसरी तो हूँ अं रख दें, है ना जी, होर मटर पनीर वगैरह पिया, करेला पिया वो खा लें, हूँ इनू आथनी देखा तड़का ला के कट दिनी है, फिर ज्यादा घुल जूगी। लो जी अपनी आ सूजी है जी, ये भी तकरीबन भुज गई, हाँ जी भुज गई। लो जी हूँ मैं ये चीनी पा दूंगी, नाले पानी पा दूंगी, तिगना पानी पाऊंगी ये अपनी सूजी एन रड़ गई, हूँ मैं ये चीनी पा दूंगी, नाले पानी पा दनी है, बिची है ड्राई फ्रूट पा दूंगी, थोड़ा जहा गिलास पानी दे, एक होर गिलास। लो जी ये पानी होर पऊगा, ये पानी ज्यादा पैंदा, ये सुखी जाती होंगी है पानी नू। लो जी देखो इनू एन फुल पानी पा लिया, बहुत वधिया हो जाना इन्हें, हूँ गाढ़ी हो जाऊगा प्रसाद। चल फिर उधर असी प्रसादा ला के छक लें, न्याणे भी लेट ही उठे ने, उन्होंने खवाने नाल है जी। लै आ बड़ी दादी नू ना आपदे छोटे पोते का ज्यादा फिक्र रहिंदा, बड़ा खावे चाहे ना खावे, हुण उहनू पुछ भी आए भी तेरी मम्मी प्रसाद बना रही है तेरे वास्ते रोटी लियावां। आ रही है लेके आ रही है मैं। सही गल। लो जी इधर बस प्रसाद भी बन गया, हूँ आप दाल वाला तो करता कैंसल, वो शाम को काम वो रखता एक पासे कुकर चक के, ते नाल देखते हैं फिर भिंडी भुंडी की बनाने शाम को, कट दी बीबी कट दी। हाँ जी बस आप बड़ा प्रसाद देख ला, महा मच ना जाए, वो ढक्कन लभना पौगा जी। बीबी ने ओदी दाल दी ओह भाफ जी कटती, बीबी कहते नहीं ज्यादा घुल जूगी, भी ये तड़का तो हूँ अथने जी ही लावे, अपना प्रसाद गया बन, हूँ मैं इनू बंद कर दिनी हाँ जी। ये अपनी दोपहर की रोटी आ, मैं तो खाती नहीं हैगी, थोन दस्या ही आ
मैं तो कोई फ्रूट फ्राटी खा लूंगी। तो आ मासी जी दे छोटे पोते दी सब्जी गर्म हो रही है, उधर प्रसाद पाता, बस मैं बनाउन लगदी हां। बीबी होनी फड़ा देणगे उन्हूं रोटी, नणे अपदी खा लेणगे। लो जी तिने ननद भरजाई छकण लग गए प्रसादा। इन्हां ने ना कोई करेला लिया, ना कोई मटर पनीर लिया। आ देखो ये कड़ाना रोटी खा रहे ने। ये कह सानू तो कड़ाना रोटी इन्नी पसंद आ। कह जी लगती है बीबी? है भूआ जी थोनू वधिया लगती है? हाँ भूआ जी कह मैनू भी बहुत वधिया लगती है। पुराने बुजुर्ग एवं खा लेंदे होंदे सी। हां जी हाँ वो तो हैगा ही है। मिठा ठीक है? ठीक है स्वाद बन गया? ठीक है धक्के नाल ही पूछी जा रही है मैं। अच्छा ठीक है जी, चलो छक लो मैं भी खानी हाँ उधर है ना। मैनु ऐ भी अमृत कई बार छड दिंदा थोड़ा बहुत भी चल है ना, भी वो वेस्ट होंदा मैं खा लैनी हुंदी आ फिर। लो जी बीबी होनी छकन लगे ने हुण चाह। तो जिहड़े अपने रिश्तेदार आए हुए सीगे वह चले गए, अपनी दोती भी चली गई, दोहत जमाई सीगा नाल चले गए मिलन आए सी। वह पहली बार आए सीगे अपने घर उरे पटियाले च, पिंड तो चलो आउंदे हुंदे सी, हुण आपां नूं भी इत्थे 7-8 साल हो गया आया नूं पटियाले। तो इत्थे वह पहली बार आए ने। तो सही गल हांजी हांजी। हां चलो आए जी आके मिल गए। आपा तो लंगर पानी का भी प्रबंध किया जिन्ने जोगे हैगे सीगे, पर छक के नहीं गए हैगे। वो कहिंदे असीं दुपहरे खांदे नहीं हैगे प्रसादा, छकदे नहीं हैगे भी असीं बाजार जाणा नाले है ना। हाँ भी असीं कहा भी चलो पटियाले च जाणा तां हैगा भी नाले थोनूं मिल चलीए। हाँ जी हाँ। तो अचानक जी अपने भूआ जी नूं भी जाणा पै गया। अपने भूआ जी ने तां हले रहना सी, आपां तां हले बाजार च उहनां नूं सूट साट लिया के देना सीगा। जद खनवान साहब चलिया जावांगे चलो। हां बुआ जी नूं अचानक फोन आ गया, उन्हां दी नूंह दे पेकियां च कोई प्रॉब्लम हो गई होनी, इन्हां दा बेटा ते नूंह उत्थे चले गए। ते फिर बाकी हाँ जी घर है नहीं सीगा कोई, फिर फुफड़ जी कल्ले सीगे ते फिर उन्हां दी भी रोटी पानी बनाउणा हुंदा। हाँ तो फिर भूआ जी को अचानक ही जाना पै गया। फिर सगा तो मैं जाके चुंगी तो बस चढ़ा के आई। गुरकीरत दे पापा भी नहीं सी घर, गुरकीरत भी गया होया सीगा, ये गुरुद्वारा साहब गया होया सी। शाम नूं चले आंदे ने मुंडे कट्ठे होके सेवा करवाउंदे ने उत्थे है ना, जोड़ियां दी सेवा हुंदी हुंदी आ, कथा हुंदी आ है ना, ते तां करके न्याणे कट्ठे होके चले आंदे ने। ते फिर मैं ते मासी जी उन्हां नूं चढ़ा के आए बस। भूआ जी कहिंदे नहीं भी मैं तां हुण ही जाणा भी, तेरा फुफड़ जी कल्ला करे। हाँ हो ही जाता बंदे नू। हाँ जी हाँ जी हाँ। लो जी देखो किन्नी धुप पई आ बाहर, 5 बजे का टाइम हो गया नाले तां भी इन्नी धुप पई आ। ते हाँ देखो अपने अंब रोज ही देखते हो तुसी, मेरा तेल तो धुप्पे ही रहिंदा, सवेर तो रख दिंदे आ धुप्प च, शाम थाई पिया रहिंदा। एक ओह कपड़ा पिया इहदे ते बैठ के मैं योगा करदी हुंनी आ, सवेरे कर लईदा चलो है ना, 20 मिंट कर लैनी हुंनी आ सैर करके आ के, थोड़ा जिहा चिर 10 मिंट साइकिल चलाउनी हुंनी आ अंदर पिया जिहड़ा। ते ओह मैं तुहानूं दिखाउनी आ अंदर जाके वी मैं किहड़ा साइकिल चलाउनी हुंनी आ। ये तेल नू ना जिन्नी धुप्प लग जाए उन्ना ही वधिया ये हो जूगा तेल अपना। जी इधर बीबी हुनी चाह पी रहे ने। आ साइकिल चलानी हुनी है मैं, ये काफ़ी टाइम हो गया उदों दा लिया होया, हुण तां मैनूं याद भी नहीं किन्ने दा। ये इत्थों है ना टाइट और लूज़ हो जाता, जे आपां ने टाइट करके इहदियां बैल्टां तों चलाउणा होवे, ज़्यादा जोर ला के चलाउणा होवे
ਤਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ, ਜੇ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਕੀਰਤ ਹੁਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਆਪਦਾ ਜਿੰਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਮ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਘਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਉਣ ਜਿੰਮ। ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਹਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਰਕ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਰੀਰ, ਜਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਆ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਟਾਪਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਹਿੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਬੀਬੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲੈਣ, ਬੀਬੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਬਿਨਾ ਵੱਧ ਖਾ ਲਾ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਖਾ ਲਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਸਵੇਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਕੇ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।